हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर्स मैथ एजुकेटर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर इन्फिनिटिव तक के कंसेप्ट पे बात किया जाएगा और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है। सो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे मन लगा के पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा, वो टॉपिक मेरा एरिया रिलेटेड सर्कल होगा जो सीबीएसई बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल होगा और यहाँ से हम लोग देखते हैं। सो नाउ लेट अस वी सी हियर एट अ बोर्ड। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया हुआ है, वो टॉपिक मेरा एरिया रेडियस है, डायमीटर है, कोण है, सेक्टर है एंड सेगमेंट है। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपसे बात करते हुए चलूँ कि रेडियस किसे कहते हैं, डाया किसे कहते हैं और कॉर्ड किसे कहते हैं, उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे गोला खींच देता हूँ और ये गोला इस तरह का दिखाई देता होगा। ये जस्ट लाइक अभी ये गोला है, ये एक इसे हम सर्कल नहीं कह सकते हैं, इसे हम सर्कल नहीं कह सकते हैं। बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसे हम इस गोले को सिर्फ अभी गोला बोलेंगे, इसे मैं सर्कल नहीं बोलूंगा। सर्कल बोलने के लिए हमें क्या होगा, इसके अंदर में सेंटर होगा। जब तक ये सेंटर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इसे सर्कल नहीं बोल सकते हो। तो सर्कल यहाँ पे आपने ले लिया और ये सर्कल जब पता कर लेंगे, सर्कल के थ्रू ही, सर्कल से ही हम रेडियस को ड्रॉ करते हैं। विदाउट सर्कल भी, विदाउट सेंटर वी कांट ड्रॉ अ सर्कल। सो विदाउट सेंटर वी कांट ड्रॉ अ सर्कल। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें इसका फिक्स पॉइंट चाहिए, इसका हमें सेंटर चाहिए। ओके, पहली बात तो ये। दूसरा चीज ये कि हम डायामीटर को देखेंगे, सर्कल के अंदर में डाया किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं। एक नया टर्म आपको मिलेगा यहाँ पे, कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं, तो कॉर्ड को आपको डिफाइन करने के लिए सर्कल के अगर दो पॉइंट पे, सर्कल के इनर साइड पे अगर कोई रेखा, कोई लाइन सर्कल के इनर साइड पे कट करता है, तो उसे हम कॉर्ड के नेम से जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सर्कल रहेगा और सर्कल के इनर साइड को, सर्कल के अंदर वाले साइड को कोई रेखा अगर कट करे, दो पॉइंट पे कट करता है, मतलब उसे ज्वाइन करता है, तो उसे हम कॉर्ड बोलेंगे। और एक सर्कल के अंदर में बहुत सारे कॉर्ड को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ड्रॉ करते हुए हम आ जाएंगे और यहाँ से जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब चीज हम कॉर्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर, इस तरह से आपने कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया, पूरे के पूरे कॉर्ड से आपने ड्रॉ कर दिया एक सर्कल के अंदर में। तो दूसरा चीज हम ये देखना चाहेंगे कि डायामीटर क्या होगा। ये सब के सब जब अपन कॉर्ड ही बोल रहे हैं, तो फिर डाया किसे बोलेंगे, तो डाया बोलने के लिए लार्जेस्ट कॉर्ड को आप डाया के नेम से जानते हो। जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा, ये लार्जेस्ट कॉर्ड बोले तो किसको बोलेंगे, जो सेंटर से पास करेगा उससे हम लार्जेस्ट कॉर्ड बोलेंगे। क्लियर, और लार्जेस्ट कॉर्ड को ही हम डायामीटर बोलेंगे। क्लियर है ना, तो यहाँ से डायामीटर और कॉर्ड आपका क्लियर हो जाएगा। रेडियस क्या होगा, तो रेडियस टू टाइम्स ऑफ सॉरी रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, डायामीटर का हाफ होता है रेडियस। तो इस तरह से आप रेडियस को समझ लेंगे। तो क्या हम कॉर्ड का हाफ कर देंगे तो मेरा रेडियस कहलाएगा, नहीं, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का कॉर्ड जो होगा वो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा, उसे आप डाया बोलेंगे, और उस डाये का जब हाफ करेंगे तो आपको रेडियस मिलेगा। क्लियर है ना, बात ये आती है कि एक सर्कल के अंदर में हम कितना कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल के अंदर में कितना कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल के अंदर में एक सर्कल के अंदर में इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो आप। ओके, बात यह आती है कि एक सर्कल के अंदर में, एक सर्कल के अंदर में कितना डाया ड्रॉ कर सकते हैं, तो डाया भी ड्रॉ करने के लिए इनफाइनाइट डाया आप ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल के अंदर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एंगल को चेंज करते हुए चला जाऊं, इस तरह से एंगल को चेंज करते हुए चला जाऊं और सबको मैं सेंटर से पास कराता हुआ चला जाऊं, तो जितना एंगल मैं चेंज करूंगा वो सब के सब मेरा क्या हो जाएगा, डायामीटर ही तो कहलाएगा। जिस लाइन को हम अगर सेंटर से पास कराएंगे वो लाइन मेरा डायामीटर कहलाएगा। एक सर्कल के अंदर में कितना कॉर्ड, इनफाइनाइट कॉर्ड। एक सर्कल के अंदर में कितना डाया, इनफाइनाइट डाया। एक सर्कल के अंदर में कितना रेडियस, तो इनफाइनाइट रेडियस। क्लियर, तो जो भी आपके पास में डाया रहेगा उसका हाफ कर देंगे, इनफाइनाइट मिल जाएंगे। क्लियर है ना, तो इस तरह से आप इसे देखेंगे, उसके बाद आपका ये रेडियस, डाया और कॉर्ड क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे टॉपिक की तरफ देखते हैं, यहाँ पे सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट को समझने के लिए फिर हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे और ये सर्कल आपका इस तरह का रहेगा, उसके बाद एक सेंटर होगा इस सर्कल का, और दो रेडियस अगर सर्कल के इनर साइड को कट कर रहा है, मतलब कि इस तरह से
दो रेडियस अगर सर्कल को सर्कल के किसी पॉइंट पे टच कर रहा है तो करने के बाद में जो एरिया बनाएगा उस एरिया को आप क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, क्लियर, उस एरिया को सेक्टर बोलेंगे। और ये सेक्टर इसमें दो टाइप का आपको मिलेगा कि एक होता है माइनर सेक्टर, दूसरा होता है मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर के लिए जो ट्रायंगल के थ्रू अंदर वाला छोटा एरिया दिखाई दे रहा होगा उससे हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। और इस सर्कल के सॉरी इस रेडियस के बाहर में जैसे कि मैं इसको डिनोट कर रहा हूं आपको, क्लियर है ना, ये सब के सब आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा। ये क्या होगा, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और इसे बोलेंगे हम माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, क्लियर। उसके बाद सेक्टर का मैंने दो टाइप देखा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। फिर हम देखते हैं सेगमेंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को समझते हुए चले, ये फॉर्मूला इसके लिए बनेगा, फॉर्मूला बनेगा इसके लिए माइनर सेक्टर के लिए। माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। मेजर सेक्टर के लिए जो एरिया बनेगा, मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये रहेगा यहां से मेजर सेक्टर का एरिया। ऐसे हम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे जब हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो समझ में आना चाहिए इस फिगर के अंदर में कि माइनर सेक्टर कौन सा होगा, मेजर सेक्टर कौन सा होगा, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सेगमेंट की तरफ, कि सेगमेंट किसे बोलते हैं। सेगमेंट को समझने के लिए आप देखेंगे यहाँ से एक और दूसरा सर्कल, ये सर्कल बनेगा आपके पास में। अगर एक कॉर्ड एक लाइन को एक कॉर्ड सर्कल के दो पॉइंट पे कट कर रहा होता है, सर्कल के दो इनर पॉइंट पे कट कर रहा होता है तो उससे बना हुआ जो एरिया होगा वो सेगमेंट कहलाएगा। और इसमें भी दो टाइप आपके पास बनेंगे, एक माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेगमेंट। देखने के बाद पता चल रहा है आपको कि माइनर बोल रहे हैं छोटे वाले को, मेजर बोल रहे हैं बड़े वाले को। तो हम यहां से बोलेंगे इसको माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। उसके बाद इससे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। यहां पे सॉरी माइनर सेगमेंट, सॉरी सॉरी माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, क्लियर। तो अभी मैंने देखा था ऊपर में माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला जो बन रहा था, माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला बन रहा था थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला बन रहा था थीटा 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चीज आपका बन रहा था मेजर सेक्टर का, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे माइनर सेक्टर को निकालने के लिए आपके पास जब क्वेश्चन में रहेगा तो एक ट्रायंगल का फॉर्म किया हुआ आएगा, वो एक ट्रायंगल का फॉर्म किया हुआ रहेगा, उसके अंदर में एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, दो रेडियस रहेंगे और एक कॉर्ड रहेगा, तो उस कॉर्ड और रेडियस के थ्रू मिलकर एक ट्रायंगल बना देगा। बनाने के बाद में इस नीचे वाले एरिया को आप क्या बोल रहे होते हैं, माइनर सेगमेंट, और इस पूरे को क्या बोल देंगे आप, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि हमें तो निकालना क्या है, जैसे कि मैं एक यहाँ पे बना रहा हूँ सर्कल, और यहाँ से ये चीज रहा इस तरह का और इस तरह का, ये पूरा का पूरा आपका सेक्टर कहलाया, ये पूरा का पूरा सॉरी सेगमेंट, ये सेक्टर कहला रहा है। सेगमेंट कहलाने के लिए आप इस तरह से ट्रायंगल का फॉर्म कर देंगे, इस पार्ट को मैं शेडेड कर रहा हूं, ये माइनर सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट को ये ए बी और ये सी आप नेमिंग दे दें, तो अगर मैं यहां से पहले इसका सेक्टर निकाल लूं, ये माइनर सेक्टर मैं निकाल लूं और माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मुझे ये माइनर सेगमेंट निकल कर आएगा, ठीक है। शायद समझ में बात आ रही होगी आपको कि यहां से अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए जो मैं दे रहा हूं यहां पे, माइनर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। शायद यहां से क्लियर हो रहा होगा आपको कि माइनर सेगमेंट निकालने के लिए,
माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दे और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट निकल कर आएगा। जब ये माइनर सेगमेंट आपका निकल गया तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 360 में से उससे आप माइनस कर दीजिएगा, वो उसका हाफ हो जाएगा। सॉरी, आप क्या करेंगे कि 360 में से इससे जब माइनस कर दीजिएगा तो मेजर सेगमेंट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह का चीज आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि बस आप इसे अच्छे से देखें और जो भी अगर प्रॉब्लम हो इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और मैं आपसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि बस आप इसे देखें और इंजॉय करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में क्वेश्चन के साथ में आऊंगा। और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जस्ट यू लुक एट दिस वीडियो एंड अगेन एंजॉय दिस। And now, again, I will come with my next video. Thank you so much.